तो आज मैं बताने लगी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इससे पहले हमने कैपेसिटर्स के केस में किया था कॉम्बिनेशन, वहाँ भी हमने सीरीज और पैरेलल में किए थे कैपेसिटर्स। तो आज हम करने लगे हैं रेजिस्टर्स कॉम्बिनेशन में। पहले बताऊँगी सीरीज में, फिर बताऊँगी पैरेलल में। अब सीरीज में देखो क्या है कि एक के बाद एक ये मैंने शो किए हैं, तीन लिए हैं मैंने, R1, R2, R3। तो वन आफ्टर द अदर कनेक्ट इस तरीके से किए हुए हैं कि सब में करंट जो है वो सेम फ्लो करेगा, सेम करंट में फ्लो थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। तीन लगा लो, पाँच लगा लो, जितने मर्जी लगा लो, सब में सेम करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर एक के अक्रॉस अलग अलग होगा। तो यहाँ पे मैंने जो करंट लिया है वो I फ्लो कर रहा है सब में से, R1, R2, R3। पोटेंशियल है R1 के अक्रॉस है V1, R2 के अक्रॉस V2 एंड R3 के अक्रॉस है P3। तो इसका मतलब टोटल जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल हुआ दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V1 किसके इक्वल I1 2 R1 I 1 2 3, क्योंकि करंट सेम फ्लो कर रहा है हर एक में, I2R1 प्लस I2R2 प्लस I2R3। अगर टोटल जो है वो सीरीज में RS है रेजिस्टेंस, तो भी हो गया I2RS के इक्वल ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से I मैंने कॉमन लिया, I के साथ I कैंसिल हो जाएगा, तो सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज में हम रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो एक चीज़ और, जब हमने कैपेसिटर का केस किया था तो वहाँ हमने सीरीज में जो नेट कैपेसिटेंस निकाली थी वो थी रेसिप्रोकल में, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट ऐड होगी सीरीज में। अब सेकंड है कॉम्बिनेशन, जो ग्रुपिंग जो है दैट इज़ इन पैरेलल। पैरेलल में मैंने ये तीन रेजिस्टर्स लिए हैं R1, R2 और R3। तो जब करंट फ्लो करेगा इस पॉइंट पे जाके करंट जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। I1 इसके थ्रू जाएगा, I2 इस आर्म में चला जाएगा, I3 इस आर्म में चला जाएगा। तो इसका मतलब पैरेलल में जो
रेजिस्टेंस है। इसके जैसी और जो प्रॉब्लम्स हैं वो तुम लोग ट्राई करो। बुक्स मेरा ख्याल अब सबके पास होंगी, उनमें से देखो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली मुझे मैसेज कर देना।